वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कार एक सर्कुलर ट्रैक पे टर्न करती है तो स्लिप होने से बचने के लिए उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, और आप लोगों ने मैक्सिमम सेफ स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यस और नो? इसके बाद अब हमारे को एक अगला न्यूमेरिकल दे रहा है और वो न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे टर्न कर रही है, और कितनी स्पीड से टर्न कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न कर रही है, और जिस ट्रैक पे वो टर्न कर रही है वहां पर कार के टायर और रोड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.8, और जिस सर्कुलर ट्रैक पे वो टर्न कर रही है उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 10 मीटर, तो कह रहा है जी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये बताओ कि कार वहां पर सेफली टर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या कार स्लिप मारेगी या नहीं मारेगी। दिस इज द क्वेश्चन, क्लियर? हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो तो उनको मालूम है मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला होता है वी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट म्यू आर जी, और उन्होंने सीधा वी की वैल्यू रखी होगी, यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी है, तो हमको ये एकदम क्लिक ही नहीं की कि हमें निकालना का है, राइट? हम लोग जज नहीं कर पाए। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने से ज्यादा इसे समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते बेसिकली, तो पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, ठीक है? और उससे पहले कि अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करूं, पहले कुछ काम कर लें हम लोग। गाड़ी की स्पीड दे रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वैसे पुराने चैप्टरों में ये बात शायद बता भी चुका हूँ, किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है 5/18 मीटर पर सेकंड। और ऐसा कोई फॉर्मूला ना नहीं, और न ऐसी कोई तोप है, मैंने कजू तोप ना चलाई, जहाँ 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड आया कैसे है ये भी समझ लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आवर है, 1 आवर बोले तो 60 मिनट, तो मिनट लिख दिया, बगल में क्या लिखूं 60, तो ये मैंने 60 लिखा। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 का मल्टीप्लाई और करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। यस और नो? तो मैं सीधा यहाँ पर 3600 सेकंड लिख दूं, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? लग जाए मैं क्या कर दूंगा, मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बोलो भैया 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 5/18 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, समझ में आया? क्लियर? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे इसे डायरेक्ट याद रख लेते हैं, और इससे क्या करते हैं, देखो किलोमीटर पर आवर है तो वो 36, किलोमीटर पर आवर की जगह उन्होंने सीधा रखा 5/18, 18 2s are 36, 2 5s are 10, सीधा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आई होप यू अंडरस्टैंड, सीन क्लियर है? भविष्य में जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो इसे नोट कर लेंगे तो आपको हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? बाकी का मैं तो आपको देसी तरीके से ही कर रहा हूँ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आया कैसे है, समझ में आया? तो पहले तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, वेलोसिटी 36 किलोमीटर की जगह क्या लिख दूँ 1000 मीटर, बोलो भैया, अपॉन आवर, आवर की जगह, हाँ समझ में आ रही है, 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 36 से 36 कैंसिल कर दिया, तो स्पीड हमारी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। सीन क्लियर है सभी को? तो भैया जो गाड़ी है, लिसन एवरीवन, लुक एट द बोर्ड, वो कह रहा है देयर इज अ कार व्हिच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज 0.8। इफ द कार इज ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर देन स्टेट वेदर द कार विल स्लिप और नॉट। ये उसका क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, वो कह रहा है एक कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, सड़क और जो टायर है कार के उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है, तो कह रहा है बताओ इस सड़क पे जब कार निकल रही है तो कार इजीली टर्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्लियर? ये क्वेश्चन है उसका। तो क्वेश्चन तो गया तेल लेने, अपन देसी कट बात करते हैं। कार देखी कभी? कार एक पहाड़ी एरिया में मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, मैं पहाड़ी एरिया में कार चला रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मेरी सवाल का जवाब दो। पहाड़ी एरिया में कार चला रहा हूँ तो आपने देखा होगा रोड के साइड में बोर्ड लगे रहते हैं, सुरक्षित चलिए, आगे स्पीड ब्रेकर है, लगे रहते हैं ना, लगे रहते। एक जगह बोर्ड लगा था भाई साहब, वहां पे लिखी थी, अच्छा मतलब इतना खतरनाक ट्रैक था वो कि बगल में हजारों फीट गहरी खाई थी, तो वहां पर एक बोर्ड लगा था, वहां लिखा था
मैक्सिमम सेफ स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. क्या लिखा था? मैक्सिमम सेफ स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. यह मान के चलो वहां लिखा है 10 मीटर, छोड़ो वहां पे लिखा है मैक्सिमम सेफ स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड. अब आप बताओ मैं वहां पे गाड़ी चला रहा हूं, ओ आई साहब कितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड लिखी थी? 12 मीटर पर सेकेंड लिखी थी. और मैं वहां पे गाड़ी चला रहा हूं, मेरी गाड़ी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा? गाड़ी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? गाड़ी खाई में गिर जाएगी? गाड़ी में बैठे हुए ऊपर जाओ? ये सर नो, सही बोल रहा हूं ना? लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हुई तो है तो इजीली टर्न कर जाएगी, है ना? तो ये कब टर्न कर जाएगी कब नहीं करेगी, जब बात को तुम्हें कायते पता पड़ रहा है. हाँ वो जो बोर्ड पे लिखी थी मैक्सिमम सेफ स्पीड थी भाई, ये तो तुम आइडिया लगा रहे हो. तो बोर्ड पे जो माने मैक्सिमम सेफ स्पीड लिखी है 12 मीटर पर सेकंड, तो वो नक्के तो आई होगी, तो वो कहां पे आई है? वो जाते आई है. मैक्सिमम सेफ स्पीड किसी भी ट्रैक पे से निकलने के लिए, सेफली टर्न करने के लिए ये होनी चाहिए. बोला भैया मैं मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाल रहा हूं, यानी ये कौन सी वाली स्पीड निकाल रहा हूं जो बोर्ड पे लिखी है तेवारी? आ वी मैक्सिमम बराबर म्यू कितना है? 0.8. रेडियस कितनी है? कहाँ हो रेडियस तुम? 10. जी कहाँ है? 10. डेंटन एन डेसिमल हटेगा, जीरो बढ़ेगा, जीरो जीरो उड़ेगा. यस और नो? 10 8 80 80 को ऐसे लिखो 16 × 5. पढ़ो ही नहीं आता होगा तो मैं 16 को आता है क्या? 16 × 5 = 80. 16 का स्क्वायर रूट सिर्री बता देगो √5. यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 √5 का वैल्यू. कम ऑन समझ लो मेरे अंदर, यही कहना चाहते थे ना? 2.236 यही कहना चाहते थे ना? सकल दी गई तुम्हारी स्टार्टिंग के चैप्टरों में मैं बता चुका हूँ भैया पहले ही, पता नहीं तुमने तब लिखे कि नहीं लिखे, और लिखे तो याद किए कि नहीं किए. √2 की वैल्यू 1.414, √3 की 1.732, √5 की 2.236. बिल्कुल घोंट के भी जाओ, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हेल्प करेगी आपको बहुत, ठीक है. √4 की 2, क्लियर? √4 की, हाँ समझ गए मेरी बात को? आ जाओ इधर कर लो मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करना आता है? 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 12, 2 × 14, 4 × 8 = 8, 9 = 8, 3 8.944 मीटर पर सेकेंड. जो कौन सी वही स्पीड आई है? मैक्सिमम सेफ स्पीड, यानी कौन सी वही स्पीड जो बोर्ड पे लिखी है ना, जिस ट्रैक पे गाड़ी चल रही है उसके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी आई है? 8.944 मीटर पर सेकेंड. और कार कहते कि स्पीड पे चल रही थी 10 पे, कहा हो? हाँ क्योंकि कार की जो स्पीड है वो मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज्यादा है, दैट इज वाई द कार विल स्लिप. नहीं यही बात समझ में, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नोट इट डाउन. उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा. तो यहां पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि क्योंकि कार की स्पीड मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज्यादा है, सो द कार विल स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न. करेक्ट एवरीवन? इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है, डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स. तो भैया यहां पर वर्ड आ रहा है बैंकिंग ऑफ रोड्स. बैंकिंग यानी बैंक, बैंक माने झुकना. कल तक आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, साइकिल चलाते थे, टू व्हीलर है, बताना जरा बताना, सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना है प्लीज, गधों की तरह रिएक्ट मत करना. ये रोड है, ये पूरा रोड है ना, समझ गए? ये रोड है, बीच में डिवाइडर बना दो, ले डिवाइडर बना दो, ये रोड है, ठीक है. अब ये रोड बोर्ड पे ऐसे दिख रही है लेकिन वास्तव में ये ऐसे सर्कुलर रोड है, रिंग रोड है, रिंग रोड है. अब भाई साहब मैं साइकिल चला रहा हूं और इस रोड पे साइकिल चला रहा हूं,
अब मेरे को साइकिल ऐसे टर्न करनी है, आप ही बताना, साइकिल ऐसे टर्न करनी है तो बताओ मैं अपनी साइकिल को किधर झुकाऊं, कैसे झुकाऊं, क्योंकि वो मालूम है सेंटर ये है, तो जब भी साइकिल झुकानी होती है तो मैं सेंटर की तरफ झुकाता हूँ साइकिल, ऐसे है ना, इसको ऐसे महसूस ना करें, रोड को कैसे महसूस कर रहे हो आप, कर रहे हो ना रोड को महसूस, ऐसे है रोड है ना, सीन ले से भी कहूँ तो मैं अपनी साइकिल यूँ झुकाऊंगा, यूँ यूँ ऐसे झुक जाऊँगा, सही बोला आपने। तो आप लोग क्या था, अभी तक टू व्हीलर से चल रहे थे, अपनी साइकिल से चल रहे थे, तो आपने साइकिल को हल चुका लिया ऐसे सेंटर की तरफ, है ना। अब आप पढ़ लिख के बड़े आदमी हो गए हो, अब आपके पास फोर व्हीलर आ गया है, तो जब आपके पास फोर व्हीलर आ गया है तो जाहिर सी बात है आप अपने ट्रक से जाओगे, क्लियर है, तो जब आप अपने ट्रक से जाओगे तो जाहिर सी बात है ये सर्कुलर ट्रैक है, कल तक कैसे जा रहे थे, तो भाई जो जैसे ही साइकिल तैयार है मैंने साइकिल चुका दी, आज मैं ट्रक चुका देंगे ऐसे ही है, दो टायर पे ले आता हूँ ट्रक है, ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा ना, ट्रक को नहीं ला पाऊंगा, साइकिल को ले आऊंगा, यस और नो, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर है। मैं साइकिल तो झुका लूंगा लेकिन ट्रक को नहीं झुका पाऊंगा, ट्रक को नहीं झुका पाऊंगा तो ऐसा करने के लिए हम रोड को उठा देते हैं, हाँ सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जोक चुटकुले पास नहीं कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं रोड को उठा देते हैं। अब बताओ ट्रक को मुझे कैसे झुकाना है, ऐसे झुकाना है या ऐसे झुकाना है, हैं जालंग झुकाना, तो रोड के कौन से हिस्से को झुकाऊं, उठाऊं, इस वाले को उठाऊं या इस वाले को उठाऊं, इस वाले को उठाऊं, ये सड़क का बाहरी किनारा है और ये सड़क का अंदरूनी किनारा है, तो सड़क के कौन से किनारे को उठाऊं, हाँ सड़क के बाहरी किनारे को अंदरूनी किनारे की अपेक्षा थोड़ा सा ऊंचा उठा देना इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स, टू रेज द आउटर एज ऑफ द रोड एज कंपेयर टू द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड या फिर बैंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। हर वो जगह जहां पर हमें सर्कुलर टर्न करना हो तो वहां पर फोर व्हीलर इजीली टर्न कर पाए, इसलिए हम सड़क के बाहरी किनारे को अंदरूनी किनारे की अपेक्षा थोड़ा सा ऊंचा उठा देते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स या बैंकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे में भी जहां पर ट्रेन चल रही होती है अगर किसी ट्रेन को पर्टिकुलर जगह पर मुड़ना है तो उसकी आउटर एज को इनर एज के कंपेयर में थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, करेंगे कोशिश, हाँ ले कोशिश कर लियो। सीन क्लियर है, माइंडेड गौर से देखिएगा, ये जो मैं यहां बना रहा हूं ये है, इसको गौर से देखिएगा सब लोग, ये मैंने क्या किया है, सड़क के ये डंबर भरा हुआ है, माइंडेड ये डंबर है, क्लियर, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप महसूस करें ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, जो रोड है, रोड तो ये रही लेकिन ये जो अंदर डंबर भरा हुआ है, मैंने क्या किया, सड़क बनाते समय ये वाला हिस्सा जो है वो इस वाले हिस्से के कंपेरिजन में थोड़ा सा उठा दिया, ये ट्राइंगल यही बना हुआ है, नहीं यही मेरी बात समझ में, बात समझ में आ रही है आपको, सिंगल गाड़ी कहाँ चल रही है, गाड़ी तो ये रोड पर चल रही है लेकिन मैंने क्या किया, सड़क का बाहरी हिस्सा है जो है उसे ऊपर उठा दिया है थोड़ा सा, नहीं आई मेरी बात समझ में, तो ऐसा करने से गाड़ी जब यहाँ से निकलेगी ना तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली झुक जाएगी, कहाँ की तरफ झुकेगी, इधर या उधर, इधर की तरफ झुकेगी, कई बार देखना अगर दूर से आप देखोगे जहाँ पर स्पेशली पुल ब्रिजेस होते हैं, ब्रिज का जहाँ टर्न होता है तो आप देखना जहाँ टर्न होता है वहाँ एक हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, जबरदस्ती यहाँ कर रहे हो, समझ में आया जो बोला, हाँ तो किसी ने पूछा बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, तो हम उसे बोल देंगे टू रेज द आउटर एज ऑफ द रोड एज कंपेयर टू द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। बोले भैया ये सर रो आइयो जरा देखियो कौन सा बताओ मुँह पे थे क्या बताइयो जी, मैंने कहा बनाई है रोड बनाई है, ठीक है ट्रक कौन सी लंग झुकेगा, जालंग चुका है, चुका है नहीं चुकाएगा, ये मैंने क्या सीन बनाया है, समझ में आ रहा है आपको,
मैंने मान लिया मैंने एच हाइट से रोड का बाहरी किनारा उठा दिया, कितनी हाइट से उठा दिया, एच हाइट से उठा दिया, ठीक है जी। ये रोड की क्या है चौड़ाई, क्लियर, विड्थ ऑफ द रोड, यस और नो। मैंने अज्यूम कर लिया दिस एंगल इज थीटा, कितना एंगल है ये, तो मैंने सड़क के बाहरी किनारे को अंदरूनी किनारे की अपेक्षा थोड़ा सा उठा दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स या फिर रेलवे ट्रैक्स। अब गौर से देखिएगा, इस पे आ रही है ये हमारी इस पे आ रही है हमारी ये कार, कार ऊपर जा रही है, इंजो में जा रही है कि इंजो आ रही है, हैं? कार जैसे जहां पे चढ़ रही है इंजो कि नीचे उतर रही है, थाप थपर रहे है जाएंगे, अब नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, कमीनो कार तुम्हारी तरफ आ रही है, ओ ओ जी, ओ ओ हेलो सुन लो भैया, नाने भैया हेडलाइट है ये स्टीयरिंग, और जे को है दो पैरेलल लाइन खींची है थे भैया, अबे हेडलाइट तो जी है यार, और ये पहिया है, कोई मुझे जवाब दे सकता है कि पहिया मैंने ऐसे क्यों बनाए हैं भैया? हाँ समझ गए ना, साइकिल का पहिया गोल होता है, अब कार सामने से आ रही है तो सामने से आपको क्या होगा, दो लाइन ही तो दिखाई देंगी इस टाइप की, और इनको गलती से भी पहिया मत समझे, ये हेडलाइट है कमीनो, नहीं है मेरी बात समझ में, तो ये कार ऊपर चढ़ रही है नीचे उतर रही है, हाँ सामने आ रही है, समझ गए, ये दिख रहा हो ना बंदा बैठा है, हाँ स्टेयरिंग है, अच्छा स्टेयरिंग के पीछे कछू ना दिख रहा हो, आजकल कार नहीं आ गई है रोबोट वाली, लिसन एवरीवन, चलो जोक सपाट, मैं नीलेश कुमार गुप्ता इस तख्त पे खड़ा हूँ, मैं तख्त पे क्या लगा रहा हूँ, तो ये कार भी इस फ्लोर पे क्या लगा रही है, तो ये क्या हो मजे, अच्छा ये तख्त मेरे ऊपर क्या लगा रहा है, हाँ और अगर मान के चलो मेरा तख्त ऐसे होता और मैं यहाँ ऐसे खड़ा होता तो रिएक्शन फोर्स कैसे लगता, यहाँ तक सीन ले रहे, ये आ रहे तो ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है, खिस खिस का काका और काका जाका और जाका, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होता है, क्लियर, क्यों होता है अभी बता दूंगा, वैसे बताया था मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपल्स बताया था ना, ये आर है ये थीटा है तो ये आर कॉस थीटा, व्हाट अबाउट दिस, शाबाश बच्चों, अच्छा कार चल रही है, कार चल रही है तो बैलेंसिंग पोजीशन में क्या इक्वेशंस बनेंगी बताओ भैया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या लिखूं भैया, R cos theta is equal to mg, यानी कार का जो वेट है वो कैसे बैलेंस हो रहा है R cos theta से, क्लियर, अच्छा अच्छा एक बात बताओ यार, ये कार सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, सर्कुलर ट्रैक पे घूमने के लिए सेकंड से जरूरी चीज़ कौन सी है, सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है ना, जाए सेंट्रिपिटल फोर्स का आते मिले वो R sin theta, वही कलवाई कहानी है, सेम समझ गए ना, R sin theta चूंकि सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं, दैट इज व्हाई R sin theta इज इक्वल टू, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू बेटर अंडरस्टैंड, डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, LHS में LHS का, RHS में RHS का, yes or no? R sin theta की जगह क्या टांग दूं? R cos theta की जगह क्या टांग दूं?
आर 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 जा रहा रहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एम से एम मिट जाएंगे आर नीचे आ जाएंगे तो बी स्क्वायर अपॉन आर जी बोले भैया समझ गए क्या 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 मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कर रहे हैं तो समय लगता है समझ गए सोच ले भाई सोच ले सोच ले यांगे सोचवाऊं सोचो अइयो देख कौन सा बताऊं मुंह पे थे कौन सा बताऊं यार मैंने बचपन में यो पढ़ ली थी पंडित बद्री प्रसाद सीधा अरर बोले ठीक है तो बताओ टेन थीटा इज इक्वल टू हैं तुम पे पाप पड़ेगा अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी यस और नो आ जाओ टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया तो मैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई कर रहा हूँ इस ट्राइंगल को घुरा घुरा के देखिए आप लोग टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच बेस टेन थीटा की जगह एच अपॉन बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी बोले भैया बी को इधर लाऊंगा तो क्या पाऊंगा एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी कैसे आया समझ में आया पूछ लेता है कि भैया कार को सेफली टर्न करना चाहता हूं तो सड़क के बाहरी किनारे को अंदरूनी किनारे की अपेक्षा कितना ऊंचा उठाऊं बी स्क्वायर बी अपॉन आर जी नहीं आई मेरी बात समझ में किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे देख लो फटाफट डेरिवेशन फिर आगे बढ़ेंगे उम्मीद करता हूं यहां तक सभी ने नोट कर लिया इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है एक कार है जो 300 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे टर्न कर रही है ट्रेन है ओके ओ माय गॉड ट्रेन है भाई ट्रेन में बैठेंगे हाँ तो वगैरह एक ट्रेन है जो 300 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे टर्न कर रही है ठीक है साथ साथ उसने ये भी बोला है कि ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर को तो पहले मीटर पर सेकंड में बदल लें वैसे तो मैंने देसी तरीका भी बता दिया 5/18 सीधा 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है जिसको नहीं समझ में आ रहा भाड़ में जान दो किलोमीटर को क्या लिख दूं 1000 मीटर बोलो भैया और आवर को 3600 सेकंड आप लोग समझ तो रहे हो ना दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए हाँ 18 2 36 18 3 54 2 5 10 5 3 15 समझ में आ रहा है आप लोगों को अब वो कह रहा है जो ट्रेन है ना ट्रेन की जो पटरियां हैं उनके बीच का जो विड्थ है दैट इज 1.5 मीटर तो आपने देखा था सड़क की चौड़ाई जो थी वही तो विड्थ है इसी तरह पटरियों में विड्थ भी इसी से ही तो एज्यूम किया था आपने तो बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है तो वो कह रहा है कि सड़क की जो आउटर एज है ये ट्रेन की पटरियां जो बिछी हैं उसकी आउटर एज को कितनी ऊंचाई से उठा दूं कि ट्रेन बिना पलटे इजीली टर्न कर जाए क्लियर सो दैट ट्रेन कैन टर्न विदाउट ओवरटर्निंग गॉट माय पॉइंट एवरीवन तो कितनी हाइट से उठाया जाए यही तो हमें निकालना है फॉर्मूला पढ़ा था अभी आपने क्या फॉर्मूला था एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी आप महान बच्चे हैं वी वेलोसिटी व्हाट इज वेलोसिटी 15 15 का स्क्वायर 225 लिख दूं डायरेक्ट बुरा तो नहीं लगेगा आपको लगे लग जाए हमें हमका करते हैं बी कितना है डेढ़ रेडियस कितनी है रेडियस 300 जी 10 अब तो कर लोगे कितना 0.1125 है 0.1125 मीटर नोटेड मीटर पर सेकंड नहीं मीटर पर सेकंड नहीं जबरी कर रहे हैं पर सेकंड लगा दो हमें क्लियर कितनी हाइट से उठाया जाए हाइट पूछ रहे हैं ना 0.1125 मीटर नोट इट डाउन एवरीवन ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जय